नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका बाबजी नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड में और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। इस वक्त आपके साथ मैं हूं योगिता ब्लास। जैसा कि आप सभी को पता है कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा 2020 और 21 की अफीम नीति जो है वो घोषित कर दी गई थी, जिसको लेकर कहीं ना कहीं अभी तक किसानों में आक्रोश भरा हुआ है। साथ ही अफीम बिल में संशोधन की मांग जो है किसानों द्वारा लगातार की जा रही है। वहीं इसी कड़ी में अब एक बड़ा धरना प्रदर्शन जो है वो किसानों द्वारा दिया जाएगा। जी हाँ, ये जो धरना प्रदर्शन है वो अफीम किसानों द्वारा दिया जाएगा, जिसको लेकर अब शिवराज सरकार को अफीम नीति में संशोधन करने के बारे में जल्द कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि अब किसानों में उस बिल को लेकर काफी आक्रोश पनप रहा है और अब एक बड़ा धरना प्रदर्शन जो है वो किया जाएगा। साथ ही वो जो धरना प्रदर्शन है वो जिला तहसील समेत दिल्ली मुख्यालय तक किया जाएगा, जो कि अफीम किसानों द्वारा किया जाएगा और ये एक काफी बड़ा धरना प्रदर्शन माना जा रहा है। गौरतलब है कि पिछले बार भी किसानों द्वारा एक ऐसा ही आंदोलन जो है वो किया गया था, जिसमें 5 से 6 किसानों की मौत हुई थी, जिसको लेकर शिवराज सरकार को अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़ा था। और इस बार भी एक ऐसा ही आंदोलन जो है वो किसानों द्वारा किया जाने वाला है और अब शिवराज सिंह चौहान को फिर से इस बारे में चिंता सताने लगी है। आपको बता दें कि भारतीय किसान समिति द्वारा इस पूरे धरने प्रदर्शन की जो रूपरेखा है वो तैयार कर ली गई है, जिसके तहत 17 नवंबर को मल्हारगढ़ तहसील से ये जो आंदोलन है वो शुरू होगा। साथ ही मल्हारगढ़ तहसील में किसानों द्वारा ज्ञापन दिया जाएगा एक दिन का धरना प्रदर्शन देकर, जिसके बाद 19 को दिल्ली जाकर जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करने की अनुमति ली जाएगी। उसके बाद 24 को यानी चित्तौड़गढ़ जाकर वहाँ की जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाएगा, साथ ही एक दिन का धरना प्रदर्शन वहां किया जाएगा और 24 तारीख की शाम को ही किसान जो है वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे, जिसके बाद 25 तारीख को वहां पर धरना प्रदर्शन कर महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी दिया जाएगा, साथ ही उनसे अफीम बिल में संशोधन करने की मांग भी की जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि ये जो मुद्दा है वो काफी बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अफीम किसानों में बिल्कुल लेकर अभी तक कहीं ना कहीं काफी आक्रोश जो है वो देखा जा रहा है, जिसको लेकर अब ये जो धरना प्रदर्शन है वो कहीं तूल पकड़ता दिख रहा है और अब ये आंदोलन होने के बाद ये जो मामला है वो काफी बड़ा बन जाएगा। इसको लेकर केंद्र सरकार को जल्द से जल्द कोई कदम जो है वो उठाना पड़ेगा। ये इस वक्त का हमारे पास बड़ा अपडेट था जो वॉइस ऑफ एमपी ने आपको दिया है, और ऐसी ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे वॉइस ऑफ एमपी पर। साथ ही हमारे ऐप को डाउनलोड करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।